हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। अब हमको डिजाइन पढ़ना है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। अब हमको डिजाइन पढ़ना है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान दे के सुनना है। इनमें से डिजाइनों में से चार पांच डिजाइनों में से दो तीन पक्का एग्जाम में आते हैं, क्योंकि पूरा जो सिलेबस है वही एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। तो पहला जो डिजाइन है इसका नाम है कम्प्लीटली रेंडमाइज डिजाइन, CRD बोलते हैं इसको दोस्तों। इनकी जो CRD है शॉर्ट फॉर्म है, भी याद रखना है, ये भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ राज एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल में दोस्तों। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय का वीडियो क्लास है, और मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको मेरे पुराने वीडियोस बहुत अच्छे समझ में आएंगे। अगर आपको अच्छे समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँच जाएंगे। तो चलो चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो CRD क्या होता है दोस्तों? तो CRD के बारे में जब अपन थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं। CRD है कम्प्लीटली रेंडमाइज डिजाइन। इसमें रेंडमाइजेशन तो होता है, तो ये इसका जो है एक दोस्तों सब CRD इज द बेसिक सिंगल फैक्टर डिजाइन। देखो दोस्तों, इसमें सिंगल फैक्टर होता है, मीन्स सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। CRD इज द बेसिक सिंगल फैक्टर डिजाइन। तो इसमें क्या है, एक फैक्टर होगा। दूसरा क्या बोलता है इसमें, इन दिस डिजाइन द ट्रीटमेंट आर असाइन कम्प्लीटली एट रेंडमाइज सो दैट ईच एक्सपेरिमेंटल यूनिट हैज द सेम चांस ऑफ रिसीविंग एनी वन ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या बोल रहा है, इन दिस डिजाइन द ट्रीटमेंट्स ट्रीटमेंट्स आर असाइन कम्प्लीटली। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो हर एक ट्रीटमेंट होता है, हर एक जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट होती है, हर एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट को एक बराबर चांस होता है कि उसमें वो ट्रीटमेंट अप्लाई हो सके। तो सबसे पहले इसका है, इन दिस ट्रीटमेंट्स आर असाइन कम्प्लीटली एट रेंडमाइज। इसमें टोट कम्प्लीट रेंडमाइजेशन करते हैं। उसके बाद ईच एक्सपेरिमेंट यूनिट हैज द सेम चांस ऑफ रिसीविंग एनी वन ट्रीटमेंट। हर एक जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट है उसको सेम चांस होता है कि उसको सेम ट्रीटमेंट का चांस मिले। बट CRD इज अप्रोप्रिएट ओनली वेन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज होमोजीनियस। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों इसका क्या है, कि जो है होमोजीनियस कंडीशन होना चाहिए, तभी CRD लगेगा। क्या होना चाहिए दोस्तों, होमोजीनियस। अगर CRD और RBD में डिफरेंस, अगर आगे RBD पढ़ाऊंगा, अगर उसमें डिफरेंस पूछते हैं तो उसमें क्या है, हेटरोजीनियस कंडीशंस आ जाती हैं, बट CRD में होमोजीनियस कंडीशंस होती हैं, इसीलिए CRD इसमें अप्लाई हम करते हैं। CRD इज अप्रोप्रिएट व्हेन ओनली एक्सपेरिमेंट मटेरियल इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, उसमें वेरिएशंस नहीं होना चाहिए। तो तब हम क्या यूज करेंगे, CRD कम्प्लीटली रेंडमाइज डिजाइन। एज देयर इज अ जनरली लार्ज वेरिएशन अमॉन्ग एक्सपेरिमेंटल प्लॉट ड्यू टू द मैनी फैक्टर, CRD इज नॉट प्रिफर्ड इन फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों बहुत बार ये पूछा जाता है कि CRD फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फील्ड एक्सपेरिमेंट में जो सॉइल होती है वो हेटरोजीनियस होती है, और हम इसको कहाँ यूज करते हैं, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस कंडीशन में इसको हम यूज करते हैं, इसीलिए जो CRD होती है जहाँ पर वेरिएशंस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर इसको यूज नहीं करते हैं। CRD को कहाँ यूज करते हैं, जहाँ होमोजेनस कंडीशन होती है। इसीलिए फील्ड में क्या होता है कि हेटरोजेनस कंडीशन आ जाती है, सोयल क्लाइमेट कई सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं, इसीलिए वहाँ पर RBD FRBD स्प्लिट प्लॉट डिजाइन इस तरह का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, इसको इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड ग्रीन हाउस स्टडी इज इजी टू अचीव होमोजीनियस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। देखो दोस्तों, CRD लेबोरेटरी के लिए यूज होता है। किसके लिए, लेबोरेटरी। जो पॉलीहाउस होता है वो भी एक तरह की लेबोरेटरी होती है, क्योंकि उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं कई सारे फैक्टरों को। हम वहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, हम वहाँ पर
RH कंट्रोल कर सकते हैं हम। वहाँ पर एक सॉइल भी की ह्यूमिडिटी और वो भी मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो CRD कहाँ यूज होता है? मेनली CRD यूज होता है लेबोरेटरी में और ग्रीन हाउस में। तो याद रखिए दोस्तों, देखो CRD का जो मेन है किया है, ये सिंगल फैक्टर के लिए होता है, होमोजेनस कंडीशन के लिए होता है, फील्ड के लिए यूजफुल नहीं होता है, और ये लेबोरेटरी और ग्रीन हाउस के लिए यूजफुल होता है। लेआउट ऑफ CRD, देखो दोस्तों CRD का लेआउट कंप्लीट रेंडमाइज डिजाइन इज द वन विच ऑल द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर टेकन इन अ सिंगल ग्रुप विच आर द होमोजीनियस एज पर द फेस्टिवल। जो भी जिस एक्सपेरिमेंटल यूनिट हैं दोस्तों, उनको क्या करते हैं, होमोजीनियस कंडीशन में हम लोग अप्लाई करते हैं। कंप्लीट रैंडम डिजाइन में क्या होता है कि जो जितनी भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स यूनिट्स हैं, उनको हम क्या कैसे लेते हैं, होमोजीनियस कंडीशन में लेते हैं। द रैंडमाइजेशन प्रोसीजर फॉर अलॉटिंग द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस यूनिट इज द फॉलोइंग। तो सब रैंडमाइजेशन कैसे करते हैं देखिए, स्टेप वन डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट। तो सबसे पहले यार टोट जो जित हमारी जित टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं, उनके बारे में हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, पेपर पर लेते हैं कि कितनी यूनिट हैं। डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट, सारी एक्सपेरिमेंटल को काउंट करते हैं एज पर द जितनी एक्सपेरिमेंट यूनिट होंगी उतने सारे ट्रीटमेंट्स के अनुसार। असाइन इन अ प्लॉट नंबर टू ईच ऑफ द एक्सपेरिमेंट यूनिट स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट फॉर ऑल रो। देखो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि सारी जो है एक्सपेरिमेंटल यूनिट हैं उनको हम नंबर दे देंगे। क्या दे देंगे? नंबर दे देंगे और उनका एक प्रोसीजर होगा, लेफ्ट से राइट करना है उस नंबर को। कैसे करना है? लेफ्ट से राइट करना है। तो इसमें मेन क्या देखना है अपन को कि जितने ट्रीटमेंट्स हैं उतना प्लॉट्स, प्लॉट्स को क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट। तो जितना ट्रीटमेंट्स हैं उतने प्लॉट्स को हम नंबरिंग कर देंगे लेफ्ट से राइट। प्लीज याद रखिए। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, असाइन द ट्रीटमेंट्स टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट बाय यूजिंग रैंडम नंबर। जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको हम अब हम अप्लाई करेंगे फील्ड में, बट हम रैंडमली अप्लाई करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि सब एक साथ कंटिन्यूस पटक दिए, हम उनको रैंडमाइज करेंगे। तो रैंडमाइज करेंगे, मैंने जैसे कि आपको अभी पिछले वीडियो में बताया था कि रैंडमाइजेशन कैसे करते हैं, सेम प्रोसेस होती है रैंडमाइज करने। तो इसमें इसको हम ट्रीटमेंट्स को रैंडमली यूज करेंगे। द स्टैटिकल मॉडल फॉर CRD विद द वन ऑब्जर्वेशन पर यूनिट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये याद रखे हैं। वाई आई जे बराबर म्यू प्लस टी आई प्लस ई आई जे। क्या है दोस्तों? वाई आई जे बराबर म्यू प्लस टी आई प्लस ई आई जे। तो दोस्तों यह म्यू क्या है? ये मीन है, ओवरऑल मीन है, ठीक है। टी आई क्या है? ट्रू इफेक्ट ऑफ द आइथ ट्रीटमेंट, ये है आइथ ट्रीटमेंट, या फिर इसको अपन कोई से भी जगह आइथ है आई आई एंथ ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। एंथ ट्रीटमेंट जो होता है तो अपन यहाँ पर एन आई कर सकते थे उसको, तो ट्रू इफेक्ट ऑफ आइथ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो उसका पूरा जो है मुख्य इफेक्ट देखना है, किसका? ट्रीटमेंट का, जो भी नंबर ट्रीटमेंट का, और पांच है तो पांच का हो जाएगा छह, है छह छह नंबर हो जाएगा। आई आई जे क्या है? एरर टर्म ऑफ आइथ यूनिट रिसीविंग आइथ ट्रीटमेंट। देखो ये क्या बोला है, एरर क्या आ रही है, किसमें? आइथ यूनिट में, जिसमें हमने आइथ ट्रीटमेंट अप्लाई किया है, जो आइथ नंबर एक्सपेरिमेंटल यूनिट है उसमें जो भी हमने वो अप्लाई किया है उसमें कंपेरिजन करके हम एरर चेक करेंगे। तो जो क्या डिफरेंस और उसमें आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। अब देखो दोस्तों,
एनोवा टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इसको नहीं बोलना है। द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन सीआरडी एज फॉलो। तो दोस्तों देखो इसमें उन्होंने क्या किया है, लेफ्ट से राइट उनको नंबरिंग किया है, टी वन टी टू टी आई और टी के, ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं दोस्तों। कैसे हैं ट्रीटमेंट्स हैं, तो ये सब ऐसे फॉलो हुए हैं 11 21, देखो इनका डायरेक्शन ऐसे है। तो ये और यहाँ पर क्या है, ये इनका टोटल हो गया, ये इनका टोटल, ये इसका टोटल, ये इसका टोटल, ये इसका टोटल, और यहाँ जो रहेगा वो इसका टोटल आ जाएगा, ये ग्रांड टोटल हो जाएगा। तो दोस्तों आपको जो हमने बताया था कि रेंडमाइजेशन प्रोसेस तो सेम वैसी ही रहेगी, तो आप अब समझ गए होंगे दोस्तों कि रेंडमाइजेशन कैसे करते हैं। ये इसका सीआरडी का एक ट्रीटमेंट्स का डिज़ाइन है। आप प्लीज़ प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिए कैसे रहना है, आप सिंबल अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको वही सिंबल लेना है। टी आई है, टी के है, टी आई वन है, टी टी के वन है, टी आई टू है। तो दोस्तों इसमें ना आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखिए, रेंडमाइजेशन में आपको पहले भी समझा दिया हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके बनाना है, आप वो वाला रेंडमाइजेशन भी बना सकते हैं। जीटी का मतलब ग्रांड टोटल, द नल हाइपोथेसिस विल बी। अब देखो दोस्तों नल हाइपोथेसिस क्या होती है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्या होती है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। दोस्तों नल हाइपोथेसिस आपको याद होना चाहिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जब डिफरेंस ही नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करके क्या करेंगे, उसका उस पर एनालिसिस करके क्या करेंगे, उस पर थीसिस लिख के क्या करेंगे, उसका क्या मीनिंग आएगा, जब सब लोग एक समान हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एच जीरो बराबर म्यू वन बराबर म्यू टू। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो उसमें दोनों जो मीन है, मीन है मीन वन और मीन टू बराबर होंगे। देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द ट्रीटमेंट्स। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब मीन वन और मीन टू बराबर हैं तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, आपको जो बताया मैंने। एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अब तब हम क्या करेंगे, जो हाइपोथेसिस होगी उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अब इसमें क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एच वन से नोट करते हैं, म्यू वन नॉट इक्वल टू म्यू टू, तो देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि अगर वेरिएशंस हैं, जब म्यू बराबर म्यू टू बराबर नहीं है तो उसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो हम उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तब ये क्या करेंगे, हम उसको एच जीरो को मतलब नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये आपने पहले क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और आप इसको अभी यहाँ समझ सकते हैं। एच जीरो मीन्स नल हाइपोथेसिस, एच मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अब इसका आगे देखते हैं, द डिफरेंट स्टेप्स इन फॉर्मिंग द एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेबल फोर सीआरडी आर। तो करेक्शन फैक्टर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्शन फैक्टर यानी टोटल नंबर ऑफ, इसमें क्या क्या निकापन को निकालना रहता है, करेक्शन फैक्टर देखते हैं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, एस एस मीन्स सम ऑफ स्क्वायर, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, ये सबके अपन को सम करके उनका स्कोर करना है, सम करके ट्रीटमेंट का, ट्रीटमेंट्स का टोटल का सम ऑफ स्कोर करना है, एरर का सम ऑफ स्कोर करना है, ये रहे ना टोटल सम ऑफ स्कोर, सारे ये जो हो जाएंगे ये सब स्कोर्स रहेंगे इनके, सॉरी जो फॉर्मूला आएगा उसके अनुसार सम ऑफ स्कोर करना है। टी एस एस माने के टी आर ट्रीटमेंट एस एस, जो टोटल सम ऑफ स्कोर आएगा उसमें से क्या करेंगे, ट्रीटमेंट एस एस को घटा देंगे, टोटल सम ऑफ स्कोर आएगा उसमें से टोटल सम ऑफ स्कोर में उसका ट्रीटमेंट सम ऑफ स्कोर घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एरर आ जाएगा। अब एरर सम ऑफ स्कोर है, तो दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम द फॉलोइंग एनोवा टेबल एंड कैलकुलेट एफ वैल्यू, कंपेरिजन द कैलकुलेट एफ वैल्यू। तो दोस्तों एक चीज हमसे मिस हो गई थी, जो ये एनोवा टेबल है, इस एनोवा टेबल अपन को देखिए, अपन ये एनोवा टेबल है,
तो जो एन एवा टेबल है इसको अब हम आगे समझते हैं। तो हमने पढ़ लिया था मी जीरो और एच वन। अब इसमें हमको निकालना रहता है करेक्शन फैक्टर। तो करेक्शन फैक्टर क्या होता है दोस्तों? करेक्शन फैक्टर होता है वाई 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 आई स्क्वायर बटे एन। इसका मीनिंग होता है दोस्तों ग्रांड टोटल का स्क्वायर बटे एन। मतलब अगर हमको करेक्शन फैक्टर निकालना है तो ग्रांड टोटल जो है हमारा, जो टोटल ग्रांड टोटल है ये सबका टोटल जो आएगा, ये जो ग्रांड टोटल है इसका हमको क्या है स्क्वायर करके उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एन क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसका मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। तो हमको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, ग्राउंड टोटल का स्कोर करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसमें भाग देना है, उसमें डिवीजन करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्शन फैक्टर आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, टोटल सम ऑफ स्कोर टोटल एसएस निकालना है। क्या निकालना है, टोटल एसएस है और टोटल सम ऑफ स्क्वायर, इसको टीएसएस भी लिख लेंगे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। इसमें क्या है दोस्तों, जो वाई वाई आई जे को जो है वाई आई जे समिश्रण मतलब जो टोटल वाई जे आई जे होगा उसमें से करेक्शन फैक्टर को हम घटा देंगे। ऑलरेडी हम करेक्शन फैक्टर निकाल चुके हैं। अब जो भी करेक्शन फैक्टर हमारा आएगा वाई वाई आई जे, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया ना कि ये जो था अपना टोटल एसएस क्या था, कि ये जो वाई आई जे था उसमें से करेक्शन फैक्टर अगर अपन घटा देंगे तो अपना टोटल एसएस आ जाएगा। अब ट्रीटमेंट एसएस कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो जो वाई है, जो वाई है वाई आई का स्क्वायर बटे आर वन प्लस वाई स्क्वायर टू बटे आर टू प्लस ये डे जितने भी जो है ट्रीटमेंट्स हैं उन सब का स्क्वायर बटे और जो है उनका डिवाइड कर देंगे आर वन आर से आर वन आर टू जो है रो और एप्लीकेशन से। तो ये हमारा क्या जाएगा दोस्तों लास्ट में, इसमें से अगर हम माइनस वाई स्क्वायर, ये है माइनस वाई स्क्वायर बटे एन। तो लास्ट में जो अपना जो समेशन मतलब टोटल है वाई स्क्वायर आई बटे आर आई माइनस करेक्शन फैक्टर, तो हमारा क्या आ जाएगा ट्रीटमेंट एस एस आ जाएगा, ट्रीटमेंट एस एस आ जाएगा। अब एरर एस एस कैसे निकालेंगे दोस्तों, एरर एस एस ऐसे निकालेंगे दोस्तों कि जो एरर है टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर घटा देंगे। इस क्या है जो हमारा आया टोटल एस एस में से, ये टोटल एस एस में से ट्रीटमेंट एस एस घटा देंगे, टी आर एस एस घटा देंगे, तो हमारा ये एरर एस एस आ जाएगा। अब दोस्तों जो सबसे मेन इसमें बात थी कि ये जो हमने सारे आपको ट्रीटमेंट्स बताए, ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं ठीक है, ये इनके क्या हैं सम है, ये इनके टोटल हैं। तो अब ये ग्रांड टोटल भी है, तो ये सारी वैल्यू आपके पास हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, सारी वैल्यू आपके पास हैं, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस करिए आ जाएगा, इसमें बहुत क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आती है हमारी सीआरडी की एनोवा टेबल। सबसे सिंपल एनोवा टेबल है दोस्तों, इसके बाद तो फिर डिफिकल्ट होती जाएंगी। तो एनोवा टेबल के जो क्या होता है फॉर्मूले जब हम आपको बताते हैं, ट्रीटमेंट देखो सोर्स ऑफ वेरिएशंस जब हम एनोवा टेबल बताएंगे सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक दो तीन चार पाँच रो बना लिए, क्या हमने पाँच रो बना लिए। तो पहली रो में ये लिखेंगे ये कॉलम है सोर्स ऑफ वेरिएशन, दूसरे कॉलम में डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर सम ऑफ स्क्वायर, फिर मीन स्क्वायर और एफ वैल्यू, जो एफ वैल्यू होती है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि ट्रीटमेंट और एरर, इसमें दो ही चीज़ होंगी ट्रीटमेंट एरर। अब इसमें रेप्लिकेशन रेप्लिकेशंस नहीं आते, इसमें रो आती हैं, क्या आती हैं रो होती हैं, इसमें रेप्लिकेशंस वगैरह नहीं होते हैं, इसमें रो होती हैं। तो इसमें रेप्लिकेशन वगैरह ऑप्शन आरबीडी में आएगा। तो टी माइनस वन ट्रीटमेंट्स में से घटा देंगे तो अपना क्या आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, टी माइनस वन मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट एसएस इसका स्कोर कर देंगे टी एसएस आ जाएगा, ट्रीटमेंट एसएस आएगा। अब मीन स्कोर कर रहे हैं, ट्रीटमेंट मीन स्कोर कैसे करेंगे, जितने ट्रीटमेंट्स उनको जोड़ के ट्रीटमेंट
केसेस में से टी माइनस वन कर देंगे। ये सारे फॉर्मूले हैं, आप देख लीजिए, ये आ गया। उसका जैसे अगर इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर में से क्या कर लेंगे, ईएमएस घटा देंगे, तो एरर मीन स्क्वायर, तो एरर मीन स्क्वायर यहाँ से निकल गया। जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन है, उसमें से हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट टी हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या ई एस एस आ जाएगा। अब ई एस एस मीन एरर मीन स्क्वायर निकाले, तो ई एस एस में से एन माइनस के टी कर देंगे, तो ये हमारा आ गया एन माइनस, ये टोटल में क्या आएगा, एन माइनस वन और टी एस एस। तो ये एनोवा टेबल है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो ये एनोवा टेबल है, बहुत सिंपल है, आप इसको दो बार तीन बार देखोगे तो आपको पक्का समझ में आएगी, आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब इसमें जो आगे प्रोसेस है, आगे प्रोसेस क्या है, क्या वह हमको कंपेयर करना है ट्रीटमेंट्स का कि कैसा है। अब इसमें हमने नल हाइपोथेसिस देखना है, अगर डिफरेंस आ रहा है तो हमको एक्सेप्ट करना है, नहीं तो रिजेक्ट कर देना है। तो इसमें क्रिटिकल जो डिफरेंस है सी डी, वो हमको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सीआरडी कंप्लीट। अगर आपको ये समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है तो आप इसको दो बार तीन बार आप प्रैक्टिस करिए, वीडियो को पॉज कर करके इसको समझिए, इसमें सब कुछ दिया है, क्लियर है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना बहुत है, और अब हम इसमें बताते हैं आपको एक और इम्पोर्टेंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीआरडी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखो एग्जाम में डिफिकल्ट पोर्शन कम ही पूछा जाता है, ये प्रोसेस बहुत लेंदी होते हैं, मैथमेटिकल होते हैं, लेकिन ये आपको थ्योरेटिकल तो आपको कम से कम आना ही चाहिए। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सीआरडी क्या होता है, एडवांटेज ऑफ सीआरडी तो है, इट्स ए लेआउट इज वेरी इजी। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसमें उसका लेआउट होता है बहुत इजी होता है, इसमें हमें किसी रेप्लिकेशन एप्लीकेशन का रट्टा नहीं होता, इसमें रो होती है, आर जो था वो रो था। तो इसमें जो क्या है, पहला देयर इज अ कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस डिजाइन, मीन्स आपको जिस तरह से इसको मोड़ना है आप मोड़ सकते हो। एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट एंड रेप्लीकेशन फॉर ईच ट्रीटमेंट कैन बी ट्राइड, इसमें रेप्लीकेशन के साथ रो यूज करते हैं उसमें। वोल एक्सपेरिमेंट मटेरियल कैन बी यूटिलाइज इन दिस डिजाइन, जितना भी एक्सपेरिमेंट मटेरियल है हम इसको इस डिजाइन में यूज कर सकते हैं, हमें कोई इसमें बंदिश नहीं है। दिस डिजाइन यील्ड मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सपेरिमेंट मटेरियल, इसमें हमको जो है ना मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या आता है कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम्स इसमें हमें पाते हैं। द एनालिसिस ऑफ डेटा इज सिंपल एंड कम्पेयर टू एनी अदर डिजाइन, दोस्तों ये सबसे सिंपल डिजाइन है, इसका एनोवा बहुत सिंपल होता है, इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है। इवन इफ सम वैल्यू आर मिसिंग द एनालिसिस कैन बी डन, और इसमें अगर कोई वैल्यू मिस हो जाता है तो इसके एनालिसिस इजीली हम कर सकते हैं। तो ये इसका क्या, देखो बहुत सिंपल डिजाइन है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी से होती है। अब इसमें बोल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जितना भी हम इसको यूटिलाइज इसमें कर सकते हैं, इसमें बहुत सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको मिलता है, एरर कम होता है क्योंकि इसमें होमोजेनिटी ज़्यादा होती है। द डाटा का जो एनालिसिस होता है बहुत सिंपल होता है कंपेरिजन टू अदर डिजाइन, और कोई वैल्यू मिसिंग है उसका भी हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें डिसएडवांटेज क्या है इसका, इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड होमोजीनियस एक्सपेरिमेंट यूनिट इन द ऑल रिस्पेक्ट, एंड हेंस सीआरडी इज सेल्डम सुटेबल फॉर फील्ड एक्सपेरिमेंट एज कम्पेयर टू द अदर एक्सपेरिमेंट डिजाइन। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि दोस्तों हम इसको फील्ड में यूज नहीं कर सकते हैं, इसको एक आपको सीधा लिखना है, इसको फील्ड में यूज नहीं कर सकते हैं, और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो अदर एक्सपेरिमेंट से कम आती है। तो दोस्तों ये आपका आज के लिए इतना मटेरियल है, आप इसको देखें, और प्लीज़
आप लोग इसको बार बार देखें और आप इसको पढ़ते रहें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और सरकार के लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। दोस्तों, इस कोरोना महामारी में अपने माता पिता बुजुर्गों का ख्याल रखें। और हम आशा करते हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको बहुत मिस करते हैं। आप नहीं हैं तो हम आपके लिए पढ़ गए हैं। आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, खुश रहो, अच्छे से रहो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान दे के सुनना है। इनमें से डिजाइनों में से चार पांच डिजाइनों में से दो तीन पक्का एग्जाम में आते हैं, क्योंकि पूरा जो सिलेबस है वही एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। तो पहला जो डिजाइन है, इसका नाम है कम्प्लीटली रेंडमाइज डिजाइन, CRD बोलते हैं इसको। दोस्तों, इनकी जो CRD है, शॉर्ट फॉर्म है, भी याद रखना है, ये भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ राज एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय का वीडियो क्लास है, और मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको मेरे पुराने वीडियोस बहुत अच्छे समझ में आएंगे। अगर आपको अच्छे समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो चलो चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो CRD क्या होता है दोस्तों? तो CRD के बारे में जब अपन थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं। CRD है कम्प्लीटली रेंडमाइज डिजाइन। इसमें रेंडमाइजेशन तो होता है, तो ये इसका जो है एक दोस्तों से CRD इज द बेसिक सिंगल फैक्टर डिजाइन। देखो दोस्तों, इसमें सिंगल फैक्टर होता है, मीन्स सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। CRD इज द बेसिक सिंगल फैक्टर डिजाइन। तो इसमें क्या है, एक फैक्टर होगा। दूसरा क्या बोलता है इसमें, इन दिस डिजाइन द ट्रीटमेंट आर असाइन कम्प्लीटली एट रेंडमाइज सो दैट ईच एक्सपेरिमेंटल यूनिट हैज द सेम चांस ऑफ रिसीविंग एनी वन ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या बोल रहा है, इन दिस डिजाइन द ट्रीटमेंट्स ट्रीटमेंट्स आर असाइन कम्प्लीटली। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो हर एक ट्रीटमेंट होता है, हर एक जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट होती है, हर एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट को एक बराबर चांस होता है कि उसमें वो ट्रीटमेंट अप्लाई हो सके। तो सबसे पहले इसका है, इन दिस ट्रीटमेंट्स आर असाइन कम्प्लीटली एट रेंडमाइज। इसमें टोट कम्प्लीट रेंडमाइजेशन करते हैं। उसके बाद ईच एक्सपेरिमेंट यूनिट हैज़ द सेम चांस ऑफ रिसीविंग एनी वन ट्रीटमेंट। हर एक जो एक्सपेरिमेंट यूनिट है उसको सेम चांस होता है कि उसको सेम ट्रीटमेंट का चांस मिले। बट CRD इज अप्रोप्रिएट ओनली वेन द एक्सपेरिमेंट मटेरियल इज होमोजीनियस। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, इसका क्या है कि जो है होमोजीनियस कंडीशन होना चाहिए, तभी CRD लगेगा। क्या होना चाहिए दोस्तों, होमोजीनियस। अगर CRD और RBD में डिफरेंस, अगर आगे RBD पढ़ाऊंगा, अगर उसमें डिफरेंस पूछते हैं तो उसमें क्या है, हेटरोजीनियस कंडीशंस आ जाती हैं, बट CRD में होमोजीनियस कंडीशंस होती हैं। इसीलिए CRD इसमें अप्लाई हम करते हैं। CRD इज अप्रोप्रिएट व्हेन ओनली एक्सपेरिमेंट मटेरियल इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, उसमें वेरिएशंस नहीं होना चाहिए। तो तब हम क्या यूज करेंगे, CRD कंप्लीटली रेंडमाइज डिजाइन। एज देयर इज अ जनरली लार्ज वेरिएशन अमॉन्ग एक्सपेरिमेंटल प्लॉट ड्यू टू द मेनी फैक्टर, CRD इज नॉट प्रिफर्ड इन फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, बहुत बार ये पूछा जाता है कि CRD फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फील्ड एक्सपेरिमेंट में जो सॉइल होती है वो हेटरोजीनियस होती है, और हम इसको कहाँ यूज करते हैं, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस कंडीशन में इसको हम यूज करते हैं, इसीलिए जो CRD होती है, जहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा होते हैं वहाँ पर इसको यूज नहीं करते हैं। CRD को कहाँ यूज करते हैं, जहाँ होमोजीनियस कंडीशन होती है। इसीलिए फील्ड में क्या होता है कि हेटरोजीनियस कंडीशन आ जाती है, सोयल, क्लाइमेट, कई सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं। इसीलिए वहाँ पर RBD, FRBD, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन इस तरह का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, इसको इन
laboratory experiment and greenhouse study is easy to achieve homogeneous of experimental material. देखो दोस्तों, सीआरडी लेबोरेटरी के लिए होता है. किसके लिए? लेबोरेटरी. जो पॉलीहाउस होता है वो भी एक तरह की लेबोरेटरी होती है, क्योंकि उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं कई सारे फैक्टरों को. हम वहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, हम वहाँ पर आरएच कंट्रोल कर सकते हैं, हम वहाँ पर एक सॉइल भी की ह्यूमिडिटी और वो भी मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं. तो सीआरडी कहाँ यूज होता है? मेनली सीआरडी यूज होता है लेबोरेटरी में और ग्रीन हाउस में. तो याद रखिए दोस्तों, देखो सीआरडी का जो मैंने किया है ये सिंगल फैक्टर के लिए होता है, होमोजेनस कंडीशन के लिए होता है, फील्ड के लिए यूजफुल नहीं होता है, और ये लेबोरेटरी और ग्रीन हाउस के लिए यूजफुल होता है. लेआउट ऑफ सीआरडी, देखो दोस्तों, सीआरडी का लेआउट कंप्लीट रैंडमाइज्ड डिजाइन इज द वन विच ऑल द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर टेकन इन अ सिंगल ग्रुप विच आर द होमोजीनियस एज पर द पॉसिबल. जो भी जिस एक्सपेरिमेंटल यूनिट हैं दोस्तों, उनको क्या करते हैं, होमोजीनियस कंडीशन में हम लोग अप्लाई करते हैं. कंप्लीट रैंडम डिजाइन में क्या होता है कि जो जितनी भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं उनको हम क्या कैसे लेते हैं, होमोजीनियस कंडीशन में लेते हैं. द रैंडमाइजेशन प्रोसीजर फॉर अलॉटिंग द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस यूनिट इज द फॉलोइंग. तो सब रैंडमाइजेशन कैसे करते हैं देखिए. स्टेप वन, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट. तो सबसे पहले जो हमारी टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं उनके बारे में हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, पेपर पर लेते हैं कि कितनी यूनिट हैं. डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट, सारी एक्सपेरिमेंटल को काउंट करते हैं एज पर द जितनी एक्सपेरिमेंटल यूनिट होंगी उतने सारे ट्रीटमेंट्स के अनुसार. असाइन इन अ प्लॉट नंबर टू ईच ऑफ द एक्सपेरिमेंटल यूनिट स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट फॉर ऑल रो. देखो दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि सारी जो है एक्सपेरिमेंटल यूनिट हैं उनको हम नंबर दे देंगे. क्या दे देंगे? नंबर दे देंगे, और उनका एक प्रोसीजर होगा. लेफ्ट से राइट करना है उस नंबर को. कैसे करना है? लेफ्ट से राइट करना है. तो इसमें मेन क्या देखना है अपन को कि जितने ट्रीटमेंट्स हैं उतना प्लॉट्स, प्लॉट्स को क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट. तो जितना ट्रीटमेंट्स हैं उतने प्लॉट्स को हम नंबरिंग कर देंगे लेफ्ट से राइट. प्लीज याद रखिए. तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, असाइन द ट्रीटमेंट्स टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट बाय यूजिंग रैंडम नंबर. जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको हम अब हम अप्लाई करेंगे फील्ड में, बट हम रैंडमली अप्लाई करेंगे. हम ऐसा नहीं है कि सब एक साथ कंटिन्यूस पटक दिए, हम उनको रैंडमाइज करेंगे. तो रैंडमाइज करेंगे, मैंने जैसे कि आपको अभी पिछले वीडियो में बताया था कि रैंडमाइजेशन कैसे करते हैं, सेम प्रोसेस होती है रैंडमाइज करने. तो इसमें इसको हम ट्रीटमेंट्स को रैंडमली यूज करेंगे. द स्टैटिकल मॉडल फॉर सीआरडी विद द वन ऑब्जर्वेशन पर यूनिट. दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये याद रखे हैं. वाई आई जे बराबर म्यू प्लस टी आई प्लस ई आई जे. क्या है दोस्तों? वाई आई जे बराबर म्यू प्लस टी आई प्लस ई आई जे. तो दोस्तों यह म्यू क्या है? ये मीन है, ओवरऑल मीन है, ठीक है. टी आई क्या है? ट्रू इफेक्ट ऑफ द आइथ ट्रीटमेंट. ये है आइथ ट्रीटमेंट, या फिर इसको अपन कोई से भी आइथ है आई आई एंथ ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं. एंथ ट्रीटमेंट जो होता है तो अपन यहाँ पर एन आई कर सकते थे उसको. तो ट्रू इफेक्ट ऑफ आइथ ट्रीटमेंट, ठीक है. तो उसका पूरा जो है मुख्य इफेक्ट देखना है, किसका? ट्रीटमेंट का. जो भी नंबर ट्रीटमेंट और पांच है तो पांच का हो जाएगा, छह है छह छह नंबर हो जाएगा. आई आई जे क्या है? एरर टर्म ऑफ आइथ यूनिट रिसीविंग आइथ ट्रीटमेंट. देखो ये क्या बोला है, एरर क्या आ रही है किसमें?
आइथ यूनिट में, जिसमें हमने आइथ ट्रीटमेंट अप्लाई किया है। जो आइथ नंबर एक्सपेरिमेंट यूनिट है, उसमें जो भी हमने अप्लाई किया है, उसमें कंपेरिजन करके हम एरर चेक करेंगे। तो जो क्या डिफरेंस और उसमें आता है, उसको हम यहाँ लिखते हैं। अब देखो दोस्तों, एनोवा टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नहीं भूलना है। द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन सीआरडी एज फॉलो। तो दोस्तों देखो, इसमें उन्होंने क्या किया है, लेफ्ट से राइट उनको नंबरिंग किया है। T1, T2, TI और TK, ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं दोस्तों। कैसे हैं? ट्रीटमेंट्स हैं। तो ये सब ऐसे फॉलो हुए हैं, 11, 21, देखो इनका डायरेक्शन ऐसे है। तो ये, और यहाँ पर क्या है, ये इनका टोटल हो गया, ये इनका टोटल, ये इसका टोटल, ये इसका टोटल, ये इसका टोटल, और यहाँ जो रहेगा वो इसका टोटल आ जाएगा, ये ग्रांड टोटल हो जाएगा। तो दोस्तों आपको जो हमने बताया था कि रेंडमाइजेशन प्रोसेस तो सेम वैसी ही रहेगी। तो आप अब समझ गए होंगे दोस्तों कि रेंडमाइजेशन कैसे करते हैं। ये इसका सीआरडी का एक ट्रीटमेंट्स का डिजाइन है। आप प्लीज प्लीज इसको एक बार देख लीजिए कैसे रहना है। आप सिंबल अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको वही सिंबल लेना है। टी आई है, टी के है, टी आई वन है, टी के वन है, टी आई टू है। तो दोस्तों इसमें ना आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखिए। रेंडमाइजेशन में आपको पहले भी समझा दिया हूँ, जरूरी नहीं है कि आपके बनाना है, आप वो वाला रेंडमाइजेशन भी बना सकते हैं। जीटी का मतलब ग्रांड टोटल, द नल हाइपोथेसिस विल बी। अब देखो दोस्तों, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्या होती है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। दोस्तों नल हाइपोथेसिस आपको याद होना चाहिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब डिफरेंस ही नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करके क्या करेंगे, उसका उस पर एनालिसिस करके क्या करेंगे, उस पर थीसिस लिख के क्या करेंगे, उसका क्या मीनिंग आएगा? जब सब लोग एक समान हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, H0 बराबर μ1 बराबर μ2। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो इसमें दोनों जो मीन है μ1 और μ2 बराबर होंगे। देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द ट्रीटमेंट्स। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब μ1 और μ2 बराबर हैं तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, आपको जो बताया मैंने। एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अब तब हम क्या करेंगे, जो हाइपोथेसिस होगी उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अब इसमें क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से नोट करते हैं, μ1 नॉट इक्वल टू μ2, तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि अगर वेरिएशंस हैं, जब μ बराबर μ2 बराबर नहीं है तो उसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो हम उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तब ये क्या करेंगे, हम इसको H0 को, मतलब नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये आपने पहले क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और आप इसको अभी यहाँ समझ सकते हैं। H0 मीन्स नल हाइपोथेसिस, H मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अब इसका आगे देखते हैं, द डिफरेंट स्टेप्स इन फॉर्मिंग द एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेबल फॉर सीआरडी आर। तो करेक्शन फैक्टर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। करेक्शन फैक्टर यानी टोटल नंबर ऑफ, इसमें क्या क्या अपन को निकालना रहता है। करेक्शन फैक्टर देखते हैं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, SS मीन्स सम ऑफ स्क्वायर, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, ये सबके अपन को सम करके उनका स्कोर करना है। सम करके ट्रीटमेंट्स का टोटल का सम ऑफ स्क्वायर करना है, एरर का सम ऑफ स्क्वायर करना है। ये रहे ना टोटल सम ऑफ स्क्वायर, सारे ये जो हो जाएंगे ये सब स्क्वायर्स रहेंगे इनके, सॉरी जो फॉर्मूला आएगा उसके अनुसार सम ऑफ स्क्वायर करना है। TSS माने के TR, ट्रीटमेंट SS, जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर आएगा उसमें से क्या करेंगे, ट्रीटमेंट SS को घटा देंगे। टोटल सम ऑफ स्क्वायर आएगा उसमें से, टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एरर एरर आ जाएगा। अब एरर सम ऑफ स्क्वायर है तो
तो दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम द फॉलोइंग एनोवा टेबल एंड कैलकुलेट एफ वैल्यू कंपेयर सिक्स कंपेरिजन द कैलकुलेट एफ वैल्यू दोस्तों एक चीज हमसे मिस हो गई थी, जो ये एनोवा टेबल है, इस एनोवा टेबल अपन को देखिए, अपन ये एनोवा टेबल है, तो जो एनोवा टेबल है इसको अब हम आगे समझते हैं। तो हमने पढ़ लिया था मी जीरो और एच वन, अब इसमें हमको निकालना रहता है करेक्शन फैक्टर। तो करेक्शन फैक्टर क्या होता है दोस्तों, करेक्शन फैक्टर होता है वाई 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 आई स्क्वायर बटे एन। इसका मीनिंग होता है दोस्तों ग्रांड टोटल का स्क्वायर बटे एन, मतलब अगर हमको करेक्शन फैक्टर निकालना है तो ग्रांड टोटल जो है हमारा, जो टोटल ग्रांड टोटल है ये सबका टोटल जो आएगा, ये जो ग्रांड टोटल है इसका हमको क्या है स्क्वायर करके उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एन क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसका मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। तो हमको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, ग्राउंड टोटल का स्कोर करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसमें भाग देना है, उसमें डिवीजन करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा करेक्शन फैक्टर आ जाएगा। अब हमको क्या करना है टोटल सम ऑफ स्कोर, टोटल एस एस निकालना है, क्या निकालना है टोटल एस एस है और टोटल सम ऑफ स्क्वायर, इसको टी एस एस भी लिख लेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर। इसमें क्या है दोस्तों, जो वाई वाई आई जे को जो है वाई आई जे समिश्रण मतलब जो टोटल वाई आई जे होगा उसमें से करेक्शन फैक्टर को हम घटा देंगे। ऑलरेडी हम करेक्शन फैक्टर निकाल चुके हैं, अब जो भी करेक्शन फैक्टर हमारा आएगा वाई वाई आई जे, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया ना कि ये जो था अपना टोटल एस एस क्या था, कि जो वाई आई जे था उसमें से करेक्शन फैक्टर अगर अपन घटा देंगे तो अपना टोटल एस एस आ जाएगा। अब ट्रीटमेंट एस एस कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो जो वाई है वाई आई का स्क्वायर बटे आर वन प्लस वाई स्क्वायर टू बटे आर टू प्लस ये डे 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 जितने भी जो हैं ट्रीटमेंट्स हैं उन सब का स्क्वायर बटे, और ये है उनका हम डिवाइड कर देंगे आर वन आर से आर वन आर टू जो है रो और एप्लीकेशन से। तो ये हमारा क्या जाएगा दोस्तों लास्ट में, इसमें से अगर हम माइनस वाई स्क्वायर ये है माइनस वाई स्क्वायर बटे एन, तो लास्ट में जो अपना जो समेशन मतलब टोटल है वाई स्क्वायर आई बटे आर आई माइनस करेक्शन फैक्टर, तो हमारा क्या आ जाएगा ट्रीटमेंट एस एस आ जाएगा, ट्रीटमेंट एस एस आ जाएगा। अब एरर एस एस कैसे निकालेंगे दोस्तों, एरर एस एस ऐसे निकालेंगे दोस्तों कि जो एरर है टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर घटा देंगे। इसका है जो हमारा आया टोटल एस एस में से, ये टोटल एस एस में से ट्रीटमेंट एस एस घटा देंगे, टी आर एस एस घटा देंगे, तो हमारा ये एरर एस एस आ जाएगा। अब दोस्तों जो सबसे मेन इसमें बात थी कि ये जो हमने सारे आपको ट्रीटमेंट्स बताए, ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं ठीक है, ये इनके क्या हैं सम है, ये इनके टोटल हैं, तो अब ये ग्रांड टोटल भी है, तो ये सारी वैल्यू आपके पास हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, सारी वैल्यू आपके पास हैं, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस करिए आ जाएगा, इसमें बहुत क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आती है हमारी सीआरडी की एनोवा टेबल, सबसे सिंपल एनोवा टेबल है दोस्तों, इसके बाद तो फिर डिफिकल्ट होती जाएंगी। तो एनोवा टेबल के जो क्या होता है फॉर्मूले जब हम आपको बताते हैं, ट्रीटमेंट देखो सोर्स ऑफ वेरिएशंस जब हम एनोवा टेबल बताएंगे सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक दो तीन चार पांच रो बना लिए, क्या हमने पांच रो बना लिए, तो पहली रो में ये लिखेंगे ये कॉलम में सोर्स ऑफ वेरिएशन, दूसरे कॉलम में डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर सम ऑफ स्क्वायर, फिर मीन स्क्वायर और एफ वैल्यू, जो एफ वैल्यू होती है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि ट्रीटमेंट और एरर इसमें दो ही चीज़ होंगी, ट्रीटमेंट एरर, अब इसमें रेप्लिकेशन एप्लीकेशंस नहीं आते, इसमें रो आती हैं, क्या आती हैं रो होती हैं, इसमें रेप्लिकेशंस वगैरह नहीं होते हैं, इसमें रो होती हैं, तो इसमें
रेप्लिकेशन वगैरह ऑप्शन आरबीडी में आएगा। तो टी माइनस वन ट्रीटमेंट्स में से घटा देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। टी माइनस वन मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट एसएस, इसका स्कोर कर देंगे टी एसएस आ जाएगा, ट्रीटमेंट एसएस आएगा। अब मीन स्कोर कर रहे हैं, ट्रीटमेंट मीन स्कोर कैसे करेंगे, जितने ट्रीटमेंट्स उनको जोड़ के टी एस एस में से टी माइनस वन कर देंगे। ये सारे फॉर्मूले हैं, आप देख लीजिए, ये आ गया। उसका जैसे अगर इसका एफ वैल्यू निकाल लेंगे, ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर में से क्या कर लेंगे, ई एम एस घटा देंगे, तो एरर मीन स्क्वायर, एरर मीन स्क्वायर, तो एरर मीन स्क्वायर यहाँ से निकल गया। जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन है उसमें से हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट टी अब माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या ई एस एस आ जाएगा। अब ई अब ई एस एस मीन एरर मीन स्कोर निकाले तो ई एस एस में से एन माइनस के टी कर देंगे, तो ये हमारा आ गया एन माइनस, ये टोटल में क्या आएगा, एन माइनस वन और टी एस एस। तो ये एनोवा टेबल है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो ये एनोवा टेबल है, बहुत सिंपल है, आप इसको दो बार तीन बार देखोगे तो आपको पक्का समझ में आएगी, आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब इसमें जो आगे प्रोसेस है, आगे प्रोसेस क्या है, क्या वह हमको कंपेयर करना है ट्रीटमेंट्स का कि कैसा है। अब इसमें हमने नल हाइपोथेसिस देखना है, अगर डिफरेंस आ रहा है तो हमको एक्सेप्ट करना है, नहीं तो रिजेक्ट कर देना है। तो इसमें क्रिटिकल जो डिफरेंस है सी डी, वो हमको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सी आर डी कम्प्लीट। अगर आपको ये समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है तो आप इसको दो बार तीन बार आप प्रैक्टिस करिए, वीडियो को पॉज कर करके इसको समझिए, इसमें सब कुछ दिया है, क्लियर है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना बहुत है, और अब हम इसमें बताते हैं आपको एक और इम्पोर्टेंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सी आर डी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखो एग्जाम में डिफिकल्ट पोर्शन कम ही पूछा जाता है, ये प्रोसेस बहुत लेंदी होते हैं, मैथमेटिकल होते हैं, लेकिन ये आपको थ्योरेटिकल तो आपको कम से कम आना ही चाहिए। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सी आर डी क्या होता है, एडवांटेज ऑफ सी आर डी तो है, इट्स इट्स ए लेआउट इज़ वेरी इजी। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसमें उसका लेआउट होता है बहुत इजी होता है, इसमें हमें किसी रेप्लिकेशन एप्लीकेशन का रट्टा नहीं होता, इसमें रो होती है, आर जो था वो रो था। तो इसमें जो क्या है, पहला देयर इज अ कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस डिजाइन, मीन्स आपको जिस तरह से इसको मोड़ना है आप मोड़ सकते हो। एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट एंड रेप्लीकेशन फॉर ईच ट्रीटमेंट कैन बी ट्राइड, इसमें रेप्लीकेशन के साथ रो यूज करते हैं उसमें। होल एक्सपेरिमेंट मटेरियल कैन बी यूटिलाइज इन दिस डिजाइन, जितना भी एक्सपेरिमेंट मटेरियल है हम इसको इस डिजाइन में यूज कर सकते हैं, हमें कोई इसमें बंदिश नहीं है। दिस डिजाइन यील्ड मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सपेरिमेंट मटेरियल, इसमें हमको जो है ना मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स इसमें हमें पाते हैं। द एनालिसिस ऑफ डेटा इज सिंपल एंड कंपेयर टू एनी अदर डिजाइन, दोस्तों ये सबसे सिंपल डिजाइन है, इसका एनोवा बहुत सिंपल होता है, इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है। इवन इफ सम वैल्यू आर मिसिंग द एनालिसिस कैन बी डन, और इसमें अगर कोई वैल्यू मिस हो जाता है तो इसके एनालिसिस इजीली हम कर सकते हैं। तो ये इसका क्या, देखो बहुत सिंपल डिजाइन है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी से होती है। अब इसमें बोल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जितना भी हम इसको यूटिलाइज इसमें कर सकते हैं, इसमें बहुत सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको मिलता है, एरर कम होता है क्योंकि होमोजेनिटी ज़्यादा होती है। द डाटा का जो एनालिसिस होता है बहुत सिंपल होता है कंपेरिजन टू अदर डिजाइन, और कोई वैल्यू मिसिंग है उसका भी हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें डिसएडवांटेज क्या है इसका, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट इन द ऑल रिस्पेक्ट, एंड हेंस सी आर डी इज सेल्डम सुटेबल फॉर फील्ड एक्सपेरिमेंट एज कम्पेयर टू द अदर एक्सपेरिमेंट डिजाइन।
सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि दोस्तों हम इसको फील्ड में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको एक आपको सीधा लिखना है, इसको फील्ड में यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसकी जो एक्यूरेसी होती है, इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो अदर एक्सपेरिमेंट से कम आती है। तो दोस्तों ये आपका आज के लिए इतना मटेरियल है, आप इसको देखें और प्लीज़ आप लोग इसको बार बार देखें और आप इसको पढ़ते रहें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और सरकार के लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। दोस्तों इस कोरोना महामारी में अपने माता पिता बुजुर्गों का ख्याल रखें और हम आशा करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको बहुत मिस करते हैं, आप नहीं हैं तो हम अकेले पढ़ गए हैं। आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, खुश रहो, अच्छे से रहो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।